morning, everybody. अब ये हम लोग चले हैं कोलकाता की तरफ. सुबह के 7:40 हो रहे हैं. मैं स्टार्ट किया था 6 बजे के रहा हूँ और अभी भी फॉग पूरा भरा हुआ है रोड पे. गाड़ियाँ बहुत कम चल रही हैं फॉग की वजह से. एक अच्छी बात है ट्रैफिक कम है. कल हमने एक मूवी वॉच किया है अन्नापूर्णी. ये नेटफ्लिक्स पे है. बहुत अच्छी लगी मूवी. आपका बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है. साउथ इंडियन मूवी है बट मैंने तो हिंदी में डब करके देखा. नेटफ्लिक्स में ऑप्शन रहता है आइदर विद द सब टाइटल्स और लैंग्वेज आप बदल सकते हैं. उसको दिखाया कि कैसे एक बच्ची एक प्योर ब्राह्मण के घर में बॉर्न करती है विद गॉड गिफ्टेड टेस्ट कार्ड और उसको कुकिंग में बहुत ही इंटरेस्ट होता है. उसके पिताजी बहुत बड़े पुजारी रहते हैं वहाँ के लोकल मंदिर में. इवन ही इज़ अ कुक देयर और नॉट इवन ही उनके फोर फादर्स भी मतलब एंसेस्टर्स भी वही पंडित में वही मंदिर में पुजारी रहते हैं और इसको कुकिंग का इंटरेस्ट आता है. बट अनफॉर्चुनेटली उसके पिताजी को वो मंजूर नहीं था. नॉट इवन ओनली जस्ट पिताजी माताजी को भी पेरेंट्स दोनों को भी पसंद नहीं था बिकॉज उसमें नॉन वेज वगैरह को टेस्ट या सर्व करना पड़ता है और जिसके लिए वो राजी नहीं थे बिकॉज बीइंग अ ब्राह्मण फैमिली नॉन वेज को आपको देखना भी नहीं है और आप वहाँ बनाना पड़ रहा है और आपको टेस्ट करना पड़ रहा है. बट उसका एक फ्रेम रहता है जो कि उसको मोटिवेट करता है. इट्स योर लाइफ मेक इट योर वे लिव इट योर वे. और उसको फिर लगता है कि नहीं वो सही बोल रहा है. उसके पिताजी MBA कराना चाहते थे और इसी कॉलेज में वो होटल मैनेजमेंट में एडमिशन ले लेती है. बट वो सेम शहर में रहता है सेम लोकेलिटी में रहता है तो उसके पिताजी एक बार पकड़ लेते हैं कि दैट शी वाज ईटिंग चिकन. मतलब क्लास तो ठीक है चिकन खा रही थी. आपको पता नहीं विजिबिलिटी कैसा दिख रहा होगा. विजिबिलिटी बहुत कम है अभी फॉग की वजह से. उसके बाद फिर वो बहुत दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं कि मतलब शादी कर देंगे क्योंकि तुम्हारा जिद तो ख़त्म नहीं हो रहा है. तो वही करते करते फिर वो शादी के मंडप से भी भाग जाती है और वो अपना पैशन को फॉलो करती है. और उसका जो रोल मॉडल होता है जो कॉर्पोरेट शेफ रहते हैं इंडिया के बहुत बड़े शेफ रहते हैं उन्हीं के होटल में चली जाती है जॉब के लिए. किसी तरह से मुलाकात भी हो जाती है और उनके जायके और उसको वो कुछ कुछ कुक करके बताती है और उसके बहुत पसंद आता है. वो उनको शेफ रख लेती है जो उसके बेटे को पसंद नहीं था क्योंकि जो उस कॉर्पोरेट शेफ जो मेन शेफ थे उनका जो बेटा रहता है वो भी शेफ रहता है. मेन शेफ रहता है और उसको पसंद नहीं था कि वो सारा लाइमलाइट वो ले जा रही थी बिकॉज ऑफ हर कुकिंग स्किल्स. और एक नेशनल लेवल का कुछ प्रोग्राम भी हो रहा था उसमें उसके पिताजी ने वो लेडी को अन्नपूर्णी को बोल दिया रिप्रेजेंट करने के लिए बिकॉज एक फ्रेंच प्रेसिडेंट आए थे और उसने उसके बेटे ने रिकमेंड किया था फ्रेंच डिशेज और
एक है उसको एक स्टाफ के पैसे वैसे देखे और ब्लास्ट करवा दिया, जिसकी वजह से लड़की का टेस्ट बड ही चला गया, उसे कुछ टेस्ट ही नहीं आता था। तो आधे पिक्चर में दिखा है कि वो सुप्रीम है टेस्ट में, उसको एक बार टेस्ट करा दो एंड सी विल रेप्लिकेट द टेस्ट, इवन सी विल बेटर द टेस्ट। और दूसरे पार्ट में दिखाया है कि उसके पास टेस्ट ही नहीं है और वो तब भी वो हार नहीं मानती। उसके पिताजी आते हैं, उसकी माता जी आती है और उसको होप लूज नहीं करने बोलते हैं और उसको बहुत ही मोटिवेट करते हैं। और उसके बाद फिर वो अपने स्मेल से, अपने मतलब फील से, टेक्सचर की कैसा टेक्सचर है उससे पूरा वो रिकॉग्नाइज कर लेती है कि मसाला क्या कैसा है, नमक कैसा है, सारा कुछ उसका टेस्ट कैसा है विदाउट हर विदाउट टेस्टिंग इट। तो उसको वो एक स्किल मिल जाता है, उसने डेवलप किया खुद से और वो इवन कंपटीशन में भी जीत जाती है। और इसी तरह मूवी एंड होता है और उसका जो फ्रेंड जो शुरू से उसके साथ रहता है वो दिखाया नहीं है कि उसके साथ शादी होती है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो उसी के साथ क्लोज हो जाती है और उसके साथ ही एक स्टार्टअप करती है। उसे तो दुबई वुबई से बहुत सारे ऑफर्स आते हैं बट वो चाहती है कि बहुत सारे जो लेडीज हैं जो घर में काम करती हैं दे आर मोर स्किल्ड एंड दे डिजर्व टू बी मोर रिकॉग्नाइज्ड। तो उसकी वजह से वो एक किचन ओपन करती है जिसकी में जिसको भी इंटरेस्ट होता है, जिसके पास पैसे कम रहते हैं उसको वो कुकिंग वगैरह सिखाती है और ये स्टोरी खत्म हो जाती है। स्टोरी तो खत्म हो गई बट ये फॉग खत्म नहीं हुआ, कुछ ब्लर था वो उसको मैंने अभी फिक्स किया है। ट्रक्स अभी भी चल रहा है, फुल्ली लोडेड ट्रक्स। निरसा पार किया हम लोगों ने, इस गाड़ी में थी आपका 79 के बाद एक सिग्नल बताता है ऑरा में कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो और आप 100 राइट पार करोगे तो वो कंटिन्यूस बीप करने लगेगा। तो आजकल बहुत सारे फीचर्स नए नए गाड़ी में आने लग गए हैं। बंद करने मुझे close this close.